हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज हम फ्रेंच फ्राई बनाएंगे जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये दो बड़े आलू लिए हैं। जितने आप बड़े आलू लेंगे उतने ही फ्रेंच फ्राई बढ़िया बनेंगे, लंबाई में अच्छे कट जाते हैं। आलुओं को हम छील के अच्छी तरह साफ कर लेंगे। उसके बाद ये इस तरह से इनके चार चार पीस काट लें, जितने आप पीस काट मोटा बनाना चाहते हैं फ्रेंच फ्राई। ये इसको इस तरह से सेंटर में से काट के इसके लंबे लंबे पीसेस काट लेंगे, जैसे कन्वीनियंट लगता है आपको। अगर आप चॉपर बोर्ड पे काट सकते हैं तो वैसे काट लें, नहीं तो आप हाथ में भी रख के इसको काट सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे फ्रेंच फ्राई काट दिए हैं। अब बाज़ार में तो उनके पास मशीन होती है, उससे काट लेते हैं। अब घर में हम जब काटते हैं तो थोड़े बहुत फ़र्क साइज़ में आ जाता है। अब हम ये जो आलू काट के रखे हैं इनको हम पानी के अंदर 3-4 बार वॉश कर लेंगे, जब तक कि इसकी स्टार्च ना निकल जाए और पानी बिल्कुल साफ ना हो जाए। ये देखिए पानी बिल्कुल साफ हो गया है। अब एक पतीला लेंगे, उसके अंदर 2-3 गिलास जितना पानी, आधा पतीला पानी डाल दें और इसको उबलने के लिए रख दें, और इसमें 1 चम्मच नमक डाल दें। पानी गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर सारे कटे हुए आलू डाल देंगे। पानी में हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया है। हम इसको सिर्फ 50% कुक करेंगे और इसको फॉक की सहायता से ऊपर नीचे करते जाएंगे, हिलाते रहेंगे, कहीं ये ना हो कि नीचे वाले ज़्यादा गल जाएं, ऊपर के रहे कच्चे रह जाएं। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको हिलाते रहें। बस चार पाँच मिनट ही हमने इसको बॉयल करना है, ज़्यादा देर नहीं। अब हम इसको निकाल लेंगे, बस पानी में बॉयल आ गया है, और एक फॉक की सहायता से चेक कर लेंगे। अगर फॉक अंदर जा रहा है इसके अंदर तो बस, ये देखिए बस इतना ही हमने कुक करना है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बॉल के अंदर। ये ध्यान रखें आलू हमने सिर्फ 50% ही कुक करने हैं, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो फिर वो। अब इसको निकाल लें, एक कॉटन का कपड़ा लें, उसके ऊपर इनको फैला दें, अच्छी तरह फैला दें खुला खुला करके, ताकि इसके अंदर से इसका मॉइस्चर निकल जाए। थोड़ी देर पंखे के नीचे आप 15-20 मिनट रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएंगे। अब हम इसको फिर दोबारा से एक बॉल के अंदर डाल देंगे। अब ये ठंडे भी हो गए हैं, और इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच हम मैदा डाल के इसके ऊपर सारा फैला देंगे इसको, और इसको टॉस कर लेंगे, ताकि सारे आलुओं के ऊपर जो मैदे की और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो जाए। इस तरह से इसको अच्छी तरह टॉस कर लें। अब इसको आधा घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ठंडा होने के लिए। आधे घंटे के बाद ये देखिए चिल्ड हो गए हैं, फ्रिज में से हमने निकाल लिए हैं। अब तेल गरम कर लेंगे, अच्छी तरह से आपका तेल गरम होना चाहिए, और उसके अंदर हम ये सारे फ्रेंच फ्राई डाल देंगे। जितने आराम से आ सकते हैं आप पहले उतने डालें, और 4-5 मिनट तक इसको फ्राई करें। अभी भी हमने इसको पूरी तरह कुक नहीं करना है, बस 4-5 मिनट इसको पका के निकाल लेने हैं। ये अभी हमने कच्चे फ्राई करके रख लिए हैं, इसको अभी पूरी तरह नहीं बने ये। अब हम इनको भी फिर दोबारा से फ्रीजर में रख लेंगे 15-20 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो इसको आप जिप्पर में बंद करके आप 10 दिन तक के लिए भी रख सकते हैं। जितने चाहें फ्रेंच फ्राई निकाल लें और उसको फ्राई कर लें बड़े आराम से। तो ये मैंने एक बार फ्राई कर लिए हैं, अब इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीजर में इसको ठंडा होने के लिए कम से कम आप आधे घंटे तक रखें इसको। ये आधे घंटे के बाद देखिए मैंने आधे घंटे के बाद निकाले हैं, ये काफ़ी चिल्ड हो गए हैं। अब इसके बाद आपको तेल फिर दोबारा से अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, और ठंडे ही इनको आपने तेल के अंदर डाल देने हैं। अभी आप फिर दोबारा जब फ्राई करेंगे तो भी 4-5 मिनट इसको फ्राई करें, 5 मिनट तक। पहले भी हमने 5 मिनट तक फ्राई किया था, अभी दोबारा फिर 5 मिनट तक फ्राई करना है। और इसको चेक कर लें कि ये आपके सॉफ्ट थोड़े हो गए हैं, क्योंकि अब ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। और ये देखिए अब ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये काफ़ी कुरकुरे हो गए हैं। दोबारा फ्राई करने के बाद ये काफ़ी क्रिस्पी बन जाते हैं, और ये देखिए ये कितने कुरकुरे और बहुत ही बढ़िया फ्राई हो गए हैं। बस अब हम इनको निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम बाकी के भी फ्रेंच फ्राई जो हैं फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसको किसी जाली के ऊपर रख देंगे, ताकि ये सॉगी ना हो, सॉफ्ट ना हो।
अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे, जैसे आप रेस्टोरेंट में या मैकडॉनल्ड में खाते हैं, हम उसी तरह से कोशिश करते हैं आपको खिलाने की। तो ये मैंने एक, मेरे पास डिस्पोजेबल गिलास था, उसके अंदर मैंने ये थोड़े फ्रेंच फ्राई रख लिए हैं, और इसको आप टोमेटो सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। बच्चे तो 1 मिनट नहीं लगाते इसको खाने में, बड़े भी खा जाते हैं, हम खुद ही खा गए सारे, बहुत ही बढ़िया लगते हैं बना के। इसको खाइए और फिर बताइए आपके फ्रेंच फ्राई कैसे बने। अगर आपको मेरी ये फ्रेंच फ्राई की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।